बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। इनके आंसर्स को एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बच्चों से रिलेटेड और दूसरा है 1 ईयर टू 5 ईयर्स के बच्चों से रिलेटेड। ये वीडियो आपको 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बच्चों की ईटिंग हैबिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे को सॉलिड फूड देने की शुरुआत किस एज से करनी चाहिए? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक्स की गाइडलाइन के मुताबिक बच्चे को सॉलिड फूड देने की शुरुआत 6 मंथ्स की एज से करना चाहिए, ना तो इसके पहले और ना ही बाद में। 6 मंथ्स तक की एज तक बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने का सोर्स दूध ही है, पर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसकी एक्टिविटी बढ़ना शुरू होती है और एक्टिविटी बढ़ने के साथ में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, जिसको हम सॉलिड के फॉर्म में एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देकर कंप्लीट करते हैं। लेकिन 6 मंथ्स के पहले अगर आपने बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर दिया तो ये बच्चे में गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। वहीं कुछ पेरेंट्स 7-8 महीने या साल भर तक के बच्चे को भी सॉलिड फूड ना देकर उसे सिर्फ दूध पर ही डिपेंडेंट रखते हैं, तब भी दो तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पहला तो ये कि बच्चा दूध पीकर अपना पेट तो भर लेता है, जब उसे भूख लगती है वो दूध पी रहा है तो इससे उसका पेट तो भर रहा है, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। दूसरा, एक पर्टिकुलर एज के बाद में आप अचानक जब बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं तो वो खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और सॉलिड फूड लेना नहीं चाहता है। 6 मंथ्स की एज के आसपास बच्चा अपने आप आपको ये क्लू देगा कि वो सॉलिड के लिए रेडी है या नहीं है। जैसे जब बच्चा हेड और नेक पर कंट्रोल करना सीख लेता है, जब वो सीधा बैठने लगता है, तब वो आपको खाना खाते हुए देखता है, उन खाने की चीज़ों को वो टेस्ट करना चाहता है। अगर आप उसके पास स्पून लेकर आते हैं तो वह मुंह खोलकर स्पून से खाना खा लेता है और जो चीज़ आपने उसे खिलाई है उसको वो एंजॉय करता है। इसका मतलब है बच्चा सॉलिड्स देने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आपने बच्चे को कुछ खाने को दिया और उसने उसको इमिडिएटली स्पिट कर दिया तो टेंशन ना लें, ये चीज़ बताती है कि या तो बच्चे को उस खाने का टेस्ट पसंद नहीं आया है या फिर वो अभी सॉलिड्स के लिए रेडी नहीं है। तो 2-3 दिन बाद आप फिर से इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। दूसरा सवाल है, बच्चे को क्या खिलाएं? ये एक बड़ा ही मुश्किल टाइम पीरियड होता है जब बच्चा ओनली मिल्क डाइट से वैरायटी ऑफ फूड डाइट पर स्विच कर रहा होता है और ये ट्रांजेक्शन इतना इजी नहीं होता। इसलिए अगर आप बिल्कुल से कोई डिफरेंट टेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए आपने दाल का पानी या चावल बच्चे को देना शुरू किया है और बच्चा उस चीज़ को नहीं पसंद कर रहा है, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में एकदम से डिफरेंट टेस्ट देने के बजाय आप केला, सेब, चीकू या कोई भी स्वीट फ्रूट मैश करके दे सकते हैं। उबले हुए आलू, मटर, शकरकंद, गाजर, टमाटर, इनको मैश करके प्यूरी बनाकर या सूप बनाकर दे सकते हैं। दलिया, खिचड़ी, चावल, दाल, सूजी, इन चीज़ों को या तो बिना दूध के या फिर जिनको दूध के साथ कंबाइन किया जा सकता है उनको दूध के साथ लिक्विड फॉर्म में आप दें। एक बात का जो ध्यान रखना है वो ये कि बच्चे का जो फूड है वो सॉफ्ट होना चाहिए, प्यूरीड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे कोई भी चीज़ जो कि हार्ड हो, जिनके बड़े बड़े टुकड़े हों, जैसे गाजर, मटर, मूंगफली है, काजू है, पॉपकॉर्न या इस तरह की और कोई भी चीज़ जो चोक कर सकती हो वो अवॉइड करें। बिना ज़रूरत शुगर, सॉल्ट या हनी को भी ऐड नहीं करना है। बच्चे को जूस, बिस्किट या पैक्ड आइटम न दें क्योंकि इनमें एक्सेसिव शुगर और सॉल्ट होते हैं जो कि उसकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे को कितना खाना दिया जाए? देखा जाए तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। एक हेल्दी बच्चे में ये एक नेचुरल सेंस होता है कि उसकी बॉडी को कितने फूड की रिक्वायरमेंट है और बच्चा उसी के अकॉर्डिंग खाता है।
हो सकता है आज आपने कोई चीज़ बनाई जिसको बच्चे ने 4-5 चम्मच खा लिया और नेक्स्ट डे सेम चीज़ सिर्फ 1-2 चम्मच खाई या बिल्कुल खाया ही नहीं। ये पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं तो वो अपने नेचुरल सिग्नल्स को इग्नोर करके ओवर ईटिंग करना सीख लेता है और ये किसी भी तरह से उसके लिए हेल्दी नहीं है, ना ही ये चीज़ लॉन्ग टर्म में उसको हेल्प करेगी, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा खाने के लिए अपनी निगेटिविटी क्रिएट कर लेगा। अगर वो खाना नहीं चाहता तो इमिडिएटली उसके सामने से उन चीज़ों को हटा लें। 10-15 मिनट्स बाद या हाफ एन आवर बाद आप फिर से ट्राई करें, हो सकता है बच्चे को तब भूख लगी हो और वो खाना खा लें। इन सब के बावजूद आपके लिए ये पूरी तरह से ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है कि आपका बच्चा किन चीज़ों को पसंद करता है और कौन सी चीज़ें वो बिल्कुल ही नहीं खाता। लेकिन उसे किसी भी तरह का फूड देना बंद मत कीजिए सिर्फ ये सोचकर कि बच्चा उस चीज़ को पसंद नहीं करता है। आप ट्राई करते रहिए 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, क्योंकि बच्चों में धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होता है और बहुत सारे एफर्ट्स के बाद वो चीज़ों को खाना सीखते हैं। बच्चों को सॉलिड फूड देने की स्टार्टिंग सुबह के टाइम करनी चाहिए, ब्रेकफास्ट या लंच से, न कि रात के खाने में, क्योंकि जब आप कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चा उसके लिए अलग तरह से रिएक्ट कर सकता है। कुछ खाने से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ चीज़ों से उन्हें लूज मोशन हो जाते हैं या वॉमिटिंग हो जाती है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको आप दिन के टाइम ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं और रात में यही चीज़ें बच्चे को और आपको दोनों को सोने में परेशानी क्रिएट करती है। चौथा सवाल है, बच्चे को किस तरह से खाना खिलाया जाए। इसमें सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को आप एक जगह बैठकर खाना खिलाएं, न कि उसके पीछे भागते हुए। आप हाई चेयर या टेबल चेयर पर बच्चे को सीधा बिठाइए, उसको अलग से कुछ अट्रैक्टिव प्लेट, स्पून या सिपर, इस तरह की चीज़ें लेकर आइए ताकि बच्चा एक पॉजिटिव इमोशन उस पूरी प्रोसेस के साथ डेवलप कर पाए और उसे ये पता चले कि ये मेरा लंच टाइम है या मेरा डिनर टाइम है और मुझे यहाँ बैठकर इस तरह से खाना खाना है। बहुत बार पेरेंट्स खाने के टाइम बच्चे के सामने टीवी या मोबाइल ऑन करके रख देते हैं, वो स्पून से बच्चे को फीड कर रहे हैं, खाना बच्चे के मुंह में है, वो धीरे धीरे उसको चबा रहा है, लेकिन पूरा ध्यान बच्चे का टीवी या मोबाइल फ़ोन पर है। अगर इस तरह से आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आगे जाकर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस तरह से जब आप बच्चे को फीड करते हैं तो ये उनमें इनडाइजेशन और ओबेसिटी को डेवलप करता है। साथ ही ये जब आदत बन जाती है तो बच्चे बड़े होने के बाद में भी जब तक टीवी या मोबाइल फोन नहीं हो वो खाना खाएंगे ही नहीं। रिसर्चर्स के मुताबिक हमारे टेस्ट बर्ड में सिर्फ 4 तरह के टेस्ट हैं, स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी। पर जब हम किसी भी खाने को देखते हैं, उसके टेक्सचर को फील करते हैं, उसको उसकी सुगंध को हम महसूस करते हैं, यानी कि जब हम खाने पर ध्यान देते हैं तब हमारा सलाइवा सिक्रीशन ज़्यादा होता है, हम खाने को एंजॉय कर पाते हैं और डाइजेशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है। तो जब बच्चे का पूरा ध्यान मोबाइल या टीवी पर रहेगा तो इनडाइजेशन तो होगा ही। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप बच्चे से बातचीत कर सकते हैं, उससे स्टोरी सुना सकते हैं या उसकी पसंदीदा राइम्स को आप ऑडियो प्ले कर सकते हैं बजाय कि उसको वीडियो दिखाने के। कभी-कभी बच्चे के दांत निकलने के कारण, खांसी, जुकाम, बुखार या किसी भी और तरह की इलनेस के कारण बच्चे को खाना खाने में परेशानी होती है, जो 2-3 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन अगर बच्चा बहुत दिनों से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, आपने बार बार कोशिश की है, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं उसे सॉलिड डाइट देने की, लेकिन बच्चा इसके लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है और वो 6-7 मंथ्स का हो गया है, बार बार बच्चा बीमार पड़ता है, तो इस सिचुएशन में बिना देर किए अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत संपर्क करें। इसी तरह के अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.swatigautam.in पर और उसके कॉन्टैक्ट मी पेज पर जाकर आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं।